अजहरुद्दीन कप्तान थे, बाद में अगले 3 वर्ल्ड कप तक अजहरुद्दीन ही कप्तान रहे थे। तो तेंदुलकर खूब ही सम्मान करते थे, अजहरुद्दीन खूब भी सम्मान करते थे। जब राज सिंह डूंगरपुर की डेथ हुई थी तो अब तेंदुलकर अफ्रीका दौरे पे था। तेंदुलकर ने शतक बनाया था उस अफ्रीका दौरे पे। स्टेटमेंट था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मेरा शतक राजभाई को समर्पित किया जाता है, राजभाई की वजह से मैं क्रिकेट नेशनल टीम के अंदर आ पाया था, मैं मेरा शतक राजभाई को समर्पित करता हूँ। लता मंगेशकर हमेशा, तो तेंदुलकर हमेशा ये मानते थे कि राजभाई मेरे लिए पिता समान है। राजभाई मेरे लिए किससे समान है? लता जी हमेशा कहते हैं कि सचिन मेरा बेटा है। लोगों के समझ में नहीं आए वो बात दूसरी है, पर डोकरा इस मामले में ही हूं। इनके फैमिली में एक और एक नागेंद्र सिंह नाम के एक बंदे हुए थे, नागेंद्र सिंह शायद लक्ष्मण सिंह के ब्रदर थे, नागेंद्र सिंह जो बाद में इंटरनेशनल हाई कोर्ट के जज बने थे। तो ये कोई ध्यान रखना, ये कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरनेशनल हाई कोर्ट में राजस्थान के दो बंदे जज बने, या तो नागेंद्र सिंह बने थे या अभी बने हुए दलबीर भंडारी। जोधपुर के कौन बने हुए?